भाई ये कोई बात उत्तराखंड में तो नई एंट्री हुई ना ईडी की, तक वो यहाँ राज्य सरकार के साथ थे तब तक सब ठीक था, लेकिन जब से उन्होंने राज्य सरकार के साथ नहीं है वो, उनके मुझे लगता है कि शायद उस तरीके से कार्रवाई उनके खिलाफ की जा रही है। नेतृत्व को ख़त्म करने का काम हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी तेज़ी से कर रही है। जैसे दिल्ली में केजरीवाल की आवाज़ को दबाया जा रहा है, वहाँ जो है झारखंड में मुख्यमंत्री को जेल में डाल दिया, हरक सिंह रावत एक बड़े नेता हैं, शक्तिशाली नेता हैं, उनके घर ईडी भेजी जा रही है, तो उन पर दबाव बनाए जाने का काम किया जा रहा है। उत्तराखंड के पूर्व वन मंत्री हरक सिंह रावत पर विजिलेंस और सीबीआई के बाद ईडी ने भी शिकंजा कस लिया है। बुधवार को ईडी ने उनके डिफेंस कॉलोनी स्थित घर में छापेमारी की, वहीं दिल्ली चंडीगढ़ समेत 15 और ठिकानों में छापेमारी की गई। देर रात 11 बजे तक ईडी की रेड चली। ईडी सूत्रों के अनुसार तड़के 4 बजे के आसपास ईडी की टीम उत्तराखंड और दिल्ली पुलिस की सुरक्षा में हरक सिंह के डिफेंस कॉलोनी स्थित घर पर पहुंची। टीम ने गेट बंद कर अंदर से गेट पर ताला लगा दिया। इसके बाद अंदर कार्रवाई शुरू हुई। देर शाम तक कार्रवाई चलती रही। वहीं हरक सिंह के घर पर ईडी की रेड की सूचना मिलते ही कांग्रेसी और हरक के करीबियों ने उनके घर पहुंचना शुरू कर दिया, लेकिन ईडी ने किसी को भी गेट से अंदर नहीं आने दिया। करीब 2 बजे नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी, विधायक प्रीतम सिंह और खानपुर विधायक उमेश कुमार हरक सिंह रावत के निवास पर पहुंचे, लेकिन ईडी की टीम ने उन्हें अंदर आने से रोक दिया। भाई ये कोई बात उत्तराखंड में तो नई एंट्री हुई ना ईडी की, लेकिन पूरे देश के अंदर देख लीजिए आप कि जो नहीं झुक रहा है उसको झुकाने का प्रयास किया जा रहा है। हालात बद से बदतर हैं और दुर्भाग्य है देश के लोकतंत्र का कि सत्ता में बैठे हुए लोग किस तरीके से लोकतंत्र पर प्रहार करने का काम कर रहे हैं। जो आवाज़ सत्ता पक्ष के लोगों के खिलाफ उठती है उसमें सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स का जिस तरीके से दुरुपयोग हो रहा है पूरे देश के अंदर, वो आपके सामने है। उनके साथ क्या हो रहा है क्या नहीं, ये तो ईडी बता पाएगी क्या मामला है किस मामले में, क्योंकि अभी तो सिर्फ कयास लगाए जा रहे हैं क्या हुआ है, किस मामले में ईडी आई है, क्या मिला है क्या नहीं मिला है, ये तो जब शाम तक कार्रवाई निमट जाएगी या जो भी समय लगेगा उसके बाद ही कह पाएंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि भाई जब तक वो यहाँ राज्य सरकार के साथ थे तब तक सब ठीक था, लेकिन जब से उन्होंने राज्य सरकार के साथ नहीं है वो, उनके मुझे लगता है कि शायद उस तरीके से कार्रवाई उनके खिलाफ की जा रही है। नेतृत्व को ख़त्म करने का काम हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी तेज़ी से कर रही है। हरक सिंह जी एक जुझारू नेता हैं जो जनता की आवाज़ उठाते हैं, जो उत्तराखंड की जनता की आवाज़ है, तो उस आवाज़ को दबाया जा रहा है उत्तराखंड में। जैसे दिल्ली में केजरीवाल की आवाज़ को दबाया जा रहा है, वहाँ जो है झारखंड में मुख्यमंत्री को जेल में डाल दिया, हम बिना मतलब की 1930 की डीड है, कौन सी डीड है पता नहीं, वहाँ लालू प्रसाद यादव जी के बेटे को भी टॉर्चर किया जा रहा है। यहाँ भी जो अन्य दलों में नेतृत्व है जो प्रदेश और देश के लिए आगे कहीं ले जाने का काम कर सकता है, उन सबको जो है दबाने का काम किया जा रहा है। इससे पता चलता है कि हरक सिंह रावत एक बड़े नेता हैं, शक्तिशाली नेता हैं, उनके घर ईडी भेजी जा रही है, तो उन पर दबाव बनाए जाने का काम किया जा रहा है और वो डरने वाले नहीं है। आपको बता दें कि भाजपा सरकार में 2019 में हरक सिंह के वन मंत्री रहने के दौरान कॉर्बेट के पाखरो रेंज में टाइगर सफारी को मंजूरी मिली थी। 101 हेक्टेयर में टाइगर सफारी के निर्माण के लिए इजाजत से ज्यादा पेड़ काटने और बिना वित्तीय स्वीकृति के करोड़ों के निर्माण कार्य करने के भी आरोप लगे थे। विभागीय एसआईटी के साथ विजिलेंस ने भी जांच की थी और अब सीबीआई भी इसकी जांच कर रही है। ईडी की तरफ से आय से अधिक संपत्ति और मनी लॉन्ड्रिंग की जाँच के लिए ही ये छापेमारी की गयी है।